अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर दावा के DVR है आपके पास और उसके ऊपर जहाँ पे कैमरा लिखा होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये कॉर्नर में आउटडोर लिखा आ रहा है जबकि यहाँ लिखा आना चाहिए कैमरा नंबर 1 एंड कैमरा नंबर 2, तो इसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक दूसरा कैमरा है, ये इनडोर लगा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इनडोर, और जो कैमरा बाहर वाली साइड पर लगा हुआ है इसके यहाँ पर लिखा आ रहा है आउटडोर। आप कैमरे की जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आपने मेन मेन्यू को ओपन कर लेना है। मेन मेन्यू को ओपन करने के बाद आपने कैमरे में आ जाना है। कैमरे के अंदर आपको नज़र आ जाएगी 4 नंबर पे ऑप्शन है कैमरा नेम, और इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने जो भी ये जिससे वीडियो बन रही है, ये एक NVR है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से लिखा आ रहा है D1, D2, D3, D4। और यहाँ पे आपने दो कैमराज क्योंकि लगे हुए हैं IP, इसलिए यहाँ पे D1 पे मैंने इंडोर लिख दिया और D2 पे मैंने आउटडोर लिख दिया। यही चीज़ आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व भी कर रहे होंगे कि जो कैमरा नंबर 1 है उसके ऊपर इंडोर लिखा आ रहा है, जो कैमरा नंबर 2 है उसके ऊपर आउटडोर लिखा रहा है। इस तरह से आप अपने कैमराज के ऊपर जिस जगह पर कैमरा लगा है वो जगह मैंशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा।